हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम देखेंगे व्हाट इज नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसकी वर्किंग और उसका आउटपुट इक्वेशन तो ये है डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें यहाँ पे ये एक क्लोज लूप गेन है आर आई जो कि इनपुट रेजिस्टेंस है आरएफ है फीडबैक रेजिस्टेंस आई आई इज अ इनपुट करंट आईएफ इज अ फीडबैक करंट यहां से वी इनपुट देते हैं और यह है वी आउटपुट जब हम इस डायग्राम को सिंपलीफाई करेंगे तो यह डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहां पे ये वोल्टेज डिवाइडर जैसा काम कर रहा है और यहाँ पे ये यह जो दो रेजिस्टेंस है उसके एक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है तो हमें वो वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करके यहाँ पे इस नोड ए पे हमें वोल्टेज निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे फॉर नोड ए नोड ए की जगह पे वोल्टेज होगा वी ए वी ए इज इक्वल टू आर आई जिसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज निकालना है वो इसीलिए आर आई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर आई प्लस आर एफ इन टू वी आउटपुट क्योंकि यहाँ पे हमें वी आउटपुट आर एफ के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी आउटपुट इसीलिए अब ये इक्वेशन को हम बर, हम इक्वेशन नंबर वन देंगे नेक्स्ट है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अब वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है जहाँ पे हमने इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा था अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख ले तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड वी इज इक्वल टू वी ए आता है तो अभी हमने वी ए निकाला है और यहाँ पे वी जो है वो है वी आई क्योंकि हम यहाँ पे बी ये जो बी पॉइंट है उसे हम v इनपुट डायरेक्टली दे रहे हैं इसीलिए की वैल्यू आ जाएंगी वी आई तो वी बी इज इक्वल टू वी ए है इसीलिए यहाँ पे ये जो वी बी है वहाँ पे हम वी आई पुट करेंगे और वी ए यहाँ पे जो हमने वी ए की इक्वेशन निकाली थी वो यहाँ पुट करेंगे तो वी आई इज इक्वल टू आएगा आर आई डिवाइडेड बाई आर आई प्लस आर एफ इन वी आउटपुट और जब हम इस पूरे इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो वी आउटपुट की वैल्यू आएगी वन प्लस आर एफ अपॉन आर आई इन टू वी आई जो कि हमारा फाइनल इक्वेशन है और वी आउटपुट इज इक्वल टू होता है क्लोज लूप गेन इंटू वी इनपुट तो क्लोज लूप गेन यहाँ पे आएगा ये जो कि है वन प्लस आर एफ अपॉन आर आई अब यहाँ पे देखो क्लोज लूप गेन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है तो वन कैसे आएगी अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है इसलिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू तो आएगी ही नहीं और आर एफ ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो सकता है तो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे तब भी क्लोज लूप गेन वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन आएगा इसीलिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्लोज लूप गेन की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है जो होती है वन वन के नीचे वो कभी नहीं जाती ये बात हमेशा याद रखनी है ये आपको ब्लैंक्स में में या फिर के में पूछे जाते हैं। अब ये हो गई मेथड वन यहाँ पे और एक मेथड है जिससे हम वी आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अब हम वो देखेंगे ये है मेथड टू तो मेथड टू में यहाँ पे देखो आप सिग्नल अप्लाइड टू नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल एंड इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड यानी कि यहाँ पे हम इसे इनपुट दे रहे है और ये दूसरा टर्मिनल हमने ग्राउंड किया है तो अब फिर से हम क्या करेंगे ये जो ए रोड है वहां पर हम के सी एल लगाएंगे तो वो क्या आएगा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट आई एफ जो है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है और यहाँ से यहाँ पे और इधर ये करंट जा रहा है तो आई एफ इज इक्वल टू आएगा आई आए आई आए प्लस आई बी माइनस अब यहाँ पे हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले रहे हैं इसीलिए आई आए बी आएगा जीरो तो आई एफ इज इक्वल टू आई आई आएगा अब फिर से आई एफ आई एफ को कैसे लिखेंगे हम ये डायग्राम में देखो आई एफ है यहाँ पे तो हम आई एफ को लिखेंगे वी आउटपुट माइनस वी ए डिडेड बाई आर एफ इज इक्वल टू आई 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 के लिए लिखेंगे वी ए माइनस जीरो क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड है डिवाइडेड बाई आर आई अब फिर से वर्चुअल ग्राउंड तो वर्चुअल ग्राउंड में क्या होता है वी ए इज इक्वल टू वी बी अब यहाँ पे वी बी है वी इनपुट इसीलिए यहाँ पे वी इनपुट लिया है तो अब यहाँ पे वी ए के जगह पे हम पुट करेंगे वी इनपुट और जब हम वी पुट करेंगे तो फिर से इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे जिससे हम वी आउटपुट की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ये जो आर एफ है उसे राइट हैंड साइड को हम ट्रांसफ़र कर देंगे फिर वी आउटपुट माइनस वी इनपुट इज इक्वल टू आएगा वी इनपुट आर एफ बाय आर आई और वी इनपुट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे फिर से तो वी आउटपुट एक साइड को हो गया और राइट हैंड साइड को ये पूरा इक्वेशन आ गया v इनपुट हम कॉमन निकालेंगे तो फाइनल इक्वेशन आएगा v आउटपुट इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर आर इंटू वी इनपुट इस तरह से हम इस दोनों मेथड से नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप जरूर पूछें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू